तो नमस्कार दोस्तों, मैं मालती चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल मिस मालती फन में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोग मेरे नए चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए दोस्तों। और आज आए हैं हम खैलाबाद, डीएल बनवाना है लेकिन तो अभी डीएल का दुकान जहाँ पर मुझे जाना है अभी वो दुकान खुला नहीं है दोस्तों, तो अभी हमको वेट करना पड़ा। अभी 11:30 बजे खुलेगा। तो दोस्तों दोपहिया से आना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा धूप है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धूप है। और इस समय तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है दोस्तों, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब किसी से कोई नहीं दोस्तों। जब तक जीना है तब तक खुशी मन से जिएंगे, लेकिन तो अब ना कभी झगड़ा करेंगे ना किसी से कोई मतलब रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मार जब से हमारी शादी हुई है तब से हम मार खा खा के बिल्कुल तंग हो चुके हैं। हमको ना किसी को अपना कोई, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपना ज़िंदगी अकेले जी लेंगे, हम भीख मांग कर जी लेंगे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस पर मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे तो हम भीख मांग लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, किसी का गुलामी कर लेंगे, वो हमको मंजूर है। लेकिन तो अब हम किसी का ना मार खाएंगे ना किसी से कभी कोई चीज़ कहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको बहुत अब हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि लोग तो मेरा ही गलती वीडियो पे वीडियो पढ़ रहा है दोस्तों, और अगर हम अपने चैनल से डाल दे रहे हैं तो मेरे चैनल से वीडियो डिलीट हो जा रहा है दोस्तों, ना जाने क्यों, ये मुझे नहीं पता है क्यों डिलीट हो जा रहा है, लेकिन तो मेरा गलती जो सबकी गलती है, अगर हम बता दे रहे हैं तो वीडियो डिलीट हो जा रहा है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोग को तो क्या ही बताएं दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका कोई, अगर आकाश हम भी पढ़े लिखे होते तो हमको भी कोई चूतिया नहीं बना पाता। हमारे लोग को यही होता है कि काश कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमको किसी से कोई गम नहीं है, ना किसी से कोई शिकायत है ना किसी। वैसे भी आप लोग मेरा ही गलती देंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एक बीवी एक औरत अपने बच्चे को लेकर अकेले कैसे आ सकती है, किसी को कोई गम नहीं है। लोग तो घूमने चले गए हैं दिल्ली लखनऊ, लोग घूमने गए हैं, किसी को अगर हम लोग का बेटा, हमारा गम नहीं है, अगर अपने बेटा का गम होता तो ऐसे नहीं करते, हमको लेकर आते यहाँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम तो भगवान से ही मनाते हैं कि अगर अपना हाथ पैर सही रहे तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी का मदद के लिए। लेकिन तो जब अपने में ही कोई दगाबाज हो जाता है ना तो क्या करें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे हैं तैसे ठीक है, मस्त हैं। भगवान से ही दुआ करेंगे कि जब तक जिएंगे अपने बेटे के साथ जिएंगे, अगर मरेंगे तो अपने बेटे के साथ मरेंगे, और कुछ नहीं आप लोग से कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू। आप लोग को वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, और मेरे नए चैनल को आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।